छोड़िए छोड़िए छोड़िए। आपने जैसे कि देखा, कोई भी आ सकता है। ओके, लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू। ओके गाइस, तो ये एक ऐसा रोड है जो पहाड़ के बिल्कुल हम टॉप में है। उस तरफ में खाई है और इस तरफ में खाई है। यहाँ से आगे है खाई, आगे पहाड़। अब अगर धूप की वजह से शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो देखने में या कैमरा में, बाकी ये है यहाँ के पहाड़। आप देख सकते हैं अलग अलग बहुत सारे पहाड़, उन्हीं के बीच से हम होके आए हैं। एक्चुअली पूरे रोड उसी पे बने हुए हैं, इसीलिए इतने कर्व्स हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक टर्न्स हैं, क्योंकि अगर आप एक टर्न भी अगर मिस करते हैं तो आप खाई पे जाके गिरेंगे। तो अगर आपकी कॉर्नरिंग स्किल ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ ऐसे कर्व्स पे थोड़ा संभल कर रहे हैं। और ऊपर से है ये सिंगल लेन, और अगर आप देखें तो पूरे लूज ग्रेवल्स हैं और टायर्स स्किड कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर टायर स्किड करते हैं तो हट के हाथ में आ जाती है। यहाँ से नज़ारा सही नज़र आता है, ये देखिए आप व्यू यहाँ से। सो गाइस, ये है कॉफ़ी पॉइंट। एक्चुअली कॉफ़ी पॉइंट है वहाँ ऊपर पे, हम लोग वहाँ ऊपर गए नहीं। और एन्जॉय द व्यू। सो कॉर्नरिंग में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि ये रोड ऐसा है, और ऐसे रोड पे कॉर्नरिंग करना मतलब आप समझ रहे होंगे क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। अगर यहाँ से स्किड हुए तो आगे मिलता है ये खाई। ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग बैक।
बहुत बातें की हमने बस। और एक्चुअली हमको और ज़्यादा सुबह आना था, थोड़े से लेट हो गए क्योंकि धूप निकल आया और गर्मियों के मौसम में तो यार मतलब समझ रहे होगे ना, वरना बरसात पे जो व्यू आता है ना काफ़ी अच्छा व्यू आता है यार अर्ली मॉर्निंग। काफ़ी लूज ग्रेवल है यार, मतलब टायर ऐसे स्किड कर रहे हैं क्या बताऊं। लुक एट द व्यू, पता नहीं कैसे आ रहा होगा। ओके सो हिल यहाँ से एंड होने वाला है, अब हम जंगल वाले रेंज से थोड़े बाहर आ गए हैं तो पेड़ की डेंसिटी कम हो गई है यहाँ पे, फॉरेस्ट डेंस कम डेंस नहीं है तो हमें धूप दिख रहा है, अदरवाइज बीच पे तो इतने पेड़ पौधे हैं कि आपको धूप का पता ही मत चले। इस रोड से फ्रेंड्स जाते हैं सतरेंगा, वो भी एक बहुत अच्छी स्पॉट है और मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोज़ पर आपको सतरेंगा का भी एक व्यू दिला दूं, वो भी एक डैम रिजर्वायर है। अगर आपने मेरी गोल्डन आइलैंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप गोल्डन आइलैंड वाली वीडियो देखिए, मैं आई बटन पर डाल दूंगा उसे। और गोल्डन आइलैंड जैसे ही जगह है थोड़ी छोटी स्केल पे सतरेंगा, मैं आपको आने वाले किसी वीडियो पे ज़रूर उस स्पॉट को दिखाऊंगा। सो दिस इज़ पावर प्लांट और इसकी कैपेसिटी पता नहीं कितनी है यार, तो 3-4 तो दिख रहे हैं। और ये वो डैम है दर्री डैम जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है, पर
पर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है। ओ भाई, थोड़ा जूता उता कम से कम पहन के आना, एक बार कहीं गिरा ना तो पूरा शरीर खलिया जाएगा, पता है।